लाए हमारे रहे। आज हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट साइंस के लेक्चर नंबर 6 यानी यूनिट नंबर लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बेटा आपका यूनिट 1 तो खत्म हो चुका था और यूनिट 2 भी मैंने स्टार्ट करवा दिया था। यूनिट 2 का नेम है आपका क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स। आपको मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करवा रही हूँ। क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स के अंदर हमने लिविंग थिंग्स की ग्रुपिंग की थी, यानी कि हमने लिविंग थिंग्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहले था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा था फंजाई, तीसरा प्लांट और चौथा एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे अपने इस चैप्टर नंबर 2 के पहले लेक्चर में। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद दूसरी ग्रुपिंग हमने जिसकी की थी वो है फंजाई। अब फंजाई क्या होता है? बेटा फंजाई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत, यानी कि फंजाई को कहा जाता है कुंडी, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैसे पैदा होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स से, यानी ऐसे स्पोर्स होते हैं, ऐसे जर्रे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, ठीक है। ये अक्सर हमारे घरों में रोटी पे भी लग जाती है या ब्रेड पे भी ग्रीन ग्रीन सी लग जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? फंजाई कहा जाता है। बेटा इसकी वराइटी ऑफ शेप, साइज एंड कलर होता है, यानी कि जो फंजाई होता है वो उसकी शेप्स बहुत वराइटी में बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी शेप्स का होता है, साइज भी उसके मतलब डिफरेंट होते हैं और कलर भी डिफरेंट होता है। फिक्स इन वन पोजीशन, यानी कि फिक्स इन वन पोजीशन का मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर सकते, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव कर सकते हैं, इस तरीके से वो फंजाई भी, फंजाई है तो लिविंग थिंग, हम भी लिविंग थिंग है, लेकिन फंजाई के अंदर मूवमेंट नहीं होती, तो वो क्या है, वो एक ही जगह पे क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब फंजाई के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंजाई होते हैं, उनकी नेम्स होते हैं। सबसे पहले मशरूम। बेटा मशरूम तो हमारे खानों में भी इस्तेमाल की जाती है। मशरूम क्या होती है? फंजाई होती है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स अगर हम देखें तो इसके पार्ट्स कौन से होते हैं? और स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है डाली, कैप मतलब, देखिए यहाँ पर मशरूम की है डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपको बताया गया ये ऊपर वाला इसका क्या है, इस पार्ट को हमने क्या कहा है, कैप कहा है, और नीचे इस डाली को क्या कहा है, स्टॉक। बेटा देखो इसके अंदर भी एक पार्ट मौजूद होता है, इसे कहा जाता है गिल्स। अब गिल्स क्या होते हैं? गिल्स वो होते हैं कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा होता है तो वो उस अपने गिल्स से क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन लेता है। देखो हर लिविंग थिंग को रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब हम भी तो हम क्या है, हम ह्यूमंस भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर में से। अब अगर मशरूम, ये मशरूम क्या है, फंजाई, यानी कि लिविंग थिंग है, तो इसके अंदर भी, यानी कि इसके पास गिल्स मौजूद होते हैं जो पानी के अंदर से क्या ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। जब हमारी स्किन को खाता है तो उसकी वजह से हमारे पैरों में क्या होता है, दर्द होता है और
ऐसी चीजें जो हम ले रहे होते हैं उन्हें बनाने में मदद करते हैं। अब यूजफुल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ईस्ट। ईस्ट कहते हैं खमीर को, यूज टू मेक ब्रेड। ईस्ट भी क्या है, एक फंजाई है और इससे हम बनाते हैं ब्रेड, ठीक है। माउंड, माउंड कहते हैं चिकनी मट्टी को, यूज टू एड फ्लेवर टू चीज। अब ये माउंड भी क्या है, माउंड भी फंजाई है और इसको हम किसके अंदर, किसके अंदर ऐड करते हैं, चीज यानी कि पनीर के अंदर, क्या ताकि पनीर के अंदर क्या आ जाए, फ्लेवर आ जाए। उसके अलावा बेटा ये मेडिसिन के अंदर भी यूज की जाती है। सबसे पहले फंजाई ने एक मेडिसिन बनाई थी पेनिसिलिन, और वो कौन सी फंजाई से बनी थी, पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम फंजाई ऐसी है यूज टू मेक द मेडिसिन पेनिसिलिन। देखो जैसे ईस्ट ने क्या करा, हमारे ईस्ट से हमने क्या बनाया, ब्रेड को बनाया, और मोल्ड से हमने बनाया फ्लेवर डाला चीज के अंदर। इसी तरीके से पेनिसिलियम फंजाई ने हमें एक मेडिसिन दी और उस मेडिसिन का नेम क्या था, पेनिसिलिन, ठीक है। आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे से कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।